Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक के रिव्यू एंड साथ ही में स्वॉचेस भी. तो ये जो लिपस्टिक है, एक लिपस्टिक खरीदने पर 120 रुपए यानी कि 120 रुपीस की पड़ेगी एंड अगर आप एक से ज़्यादा लिपस्टिक खरीदते हैं तो एक लिपस्टिक आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीस की पड़ने वाली है, विच इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर अ लिक्विड मैट लिपस्टिक. एंड ये किस ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर अवेलेबल हैं. इसको खरीदने के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपको मेरे वीडियो के टाइटल को क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोडक्ट को खरीदने की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी. ये मेरे इंस्टाग्राम स्टोर एट अफोर्डेबल मेकअप इंडिया पर अवेलेबल है. व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस पर मैसेज करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. उस नंबर पे कॉल नहीं करना है, जस्ट आपको मैसेज ड्रॉप करना है. कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, एडवांस पेमेंट है, प्रीपेड पेमेंट होगा बाय बैंक और पेटीएम और बाय लाइक गूगल पे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. एंड लिपस्टिक के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो कलर रेंज अवेलेबल है बहुत ही अच्छी. पैकेजिंग बहुत अच्छी है, स्टर्डी पैकेजिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है. ट्विस्ट कैप वाली है, 2 फुट एप्लीकेटर है, एप्लीकेटर इज़ गुड इनफ, आराम से इससे अप्लाई हो जाती है. कलर जो है वो बाहर से ही दिख जाता है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग होने के कारण से, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग. शेड्स के कोई नेम नहीं है, जस्ट नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो 1 to 12 शेड्स इसमें अवेलेबल हैं. पिगमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो मीडियम टू गुड पिगमेंटेशन है. ये नहीं मैं बोलूँगी बहुत हाई पिगमेंटेशन है, एक ही स्वाइप में कलर आ जाता है. यू नीड 2 swipes टू गेट द ट्रू कलर. फर्स्ट स्वाइप में एक अच्छा सा लिप्स पर स्टेन आ जाता है, नेचुरली ब्यूटीफुल लगते हैं लिप्स. इसमें कोई भी एज सच बैड स्मेल नहीं है. लिप्स पर लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, स्टिकीनेस नहीं है, विच इज़ डेफिनेटली समथिंग विच आई अप्रिशिएट. ट्रांसफर टेस्ट की बात करते हैं तो एक बार सेट होने के बाद ट्रांसफ़र नहीं होती, 2 मिनट लग जाते हैं सेट होने में एंड उसके बाद फिर में ये ट्रांसफ़र नहीं होती है. स्टेइंग पावर की बात करते हैं, 6 से 7 घंटे तक ये लगभग आपके लिप्स पर टिक जाएगी, मतलब इतना यूजुअली मेरे लिप्स पर टिक जाती है एंड थोड़ा सा बाकी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड लिप्स टू लिप्स पर. फेड गंदी तरह से नहीं होती है, खाना खाएंगे तो जस्ट नॉर्मली आराम से हल्की हल्की उतरेगी एंड उसके बाद आप वापस से टचअप भी कर सकते हैं, तो टचअप करने में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है. लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती है, लिप्स पर कंफर्टेबल रहती है. लाइट वेट फॉर्मूला है, प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है. आई विल नॉट से कि दुनिया की बेस्ट लिपस्टिक है, बट डेफिनेटली फॉर दिस प्राइस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक्स फॉर श्योर. आपको 100 रुपीज़ में अगर मिल रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है उसके हिसाब से ये. चलिए अब मैं स्वॉचेस स्टार्ट करती हूँ. बाय द वे, लिप स्वॉचेस देखना पसंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट को खरीदने की सभी डिटेल्स आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. अभी मैंने जो लगाया है वो है शेड नंबर 12 एंड अभी फिर मैं आपको 1 to 12 लाइन वाइज सभी शेड्स लगा करके अपने लिप्स पर दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं आपको लिपस्टिक की पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ. एज़ यू कैन सी, लिपस्टिक का कलर आपको 1 to 2 swipes में लिप्स पर दिख जाएगा. फर्स्ट स्वाइप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेन आता है, सेकंड स्वाइप में आप लिपस्टिक के ट्रू कलर को देख सकते हैं. जो फर्स्ट शेड अभी मैंने लगाया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड ऑफ रेड, वेरी न्यूट्रल शेड ऑफ रेड एंड दिस पर्टिकुलर कलर इज सूटेबल फॉर लाइक ऑल स्किन टोन्स. वेरी वेरी फेयर से लेकर के वेरी वेरी डस्की पर ये पर्टिकुलर कलर जाएगा. इट डेफिनेटली मेक्स द होल फेस लुक्स नाइस एंड ब्राइटन्ड. इसके अंदर कोई भी ब्राइट अंडरटोन नहीं है, बहुत ही न्यूट्रल अंडरटोन वाला कलर है. इसी वजह से सभी स्किन टोन्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा नॉर्मल लुक देगा. एवरीडे के लिए भी परफेक्ट शेड है एंड दिस शेड कैन बी यूज्ड इन पार्टीज एज वेल. अब आपको मैं दिखा रही हूँ किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक शेड नंबर 02. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड, वाइन कलर है, रेड अंडरटोन्स हैं, ब्राउनिश अंडरटोन्स हैं और सभी स्किन टोन्स पर सूटेबल है. कोई भी ब्राइट अंडरटोन नहीं है, न्यूट्रल अंडरटोन है. डीवा लाइक लुक देने के लिए ऐसे लिप कलर्स टोटली परफेक्ट लगते हैं. अगैन द शेड इज़ परफेक्टली सूटेबल फॉर वेरी वेरी फेयर स्किन टोन्स टू वेरी वेरी डस्की स्किन टोन्स. वेरी वेरी फेयर पर बहुत ही ज़्यादा वैम्पी भी लग सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. अदरवाइज बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिटी सा शेड है, इट्स नाइसली पिगमेंटेड एज वेल. अब मैंने लगाई है किस ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक शेड नंबर
3, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड ऑफ रेड. फर्स्ट वाला शेड रेड था जो मैंने आपको दिखाया था, बस उसमें ऑरेंज अंडरटोन था. अब जो मैंने शेड लगाया है अगेन, इट्स अ रेड बट इसके अंदर पिंक अंडरटोन है. एंड पर्सनली मुझे इस टाइप के रेड कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. इसमें भी कोई ब्राइट अंडरटोन नहीं है, न्यूट्रल अंडरटोन है. वेरी वेरी फेयर टू वेरी रस्की स्किन टोन्स. सभी के लिए ये पर्टिकुलर शेड टोटली सूटेबल है. नेक्स्ट शेड अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का शेड नंबर 04, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड शेड. ये मीडियम डस्की स्किन टोन्स पर आई थिंक शायद ही सूट करेगा, ज़्यादा चांसेस नहीं है. एंड ज़्यादा डस्की स्किन टोन्स पर ये कलर नहीं सूट कर पाएगा अनफॉर्चुनेटली. लेकिन हाँ, ये शेड वेरी वेरी फेयर टू फेयर मीडियम स्किन टोन्स पर बहुत ही खूबसूरत न्यूड लगेगा. इट हैज़ नाइस पीच अंडर टोन्स टू इट. हल्का सा ब्राउन अंडर टोन है, बाकी पीच अंडर टोन है. बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं है, हल्का ब्राइट है, हल्का न्यूट्रल है. नाइस न्यूड शेड फॉर वेरी वेरी फेयर टू मीडियम फेयर स्किन टोन्स. अब जो नेक्स्ट शेड मैंने लगाया है, ये है किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का शेड नंबर 05, विच इज़ बेसिकली अ पीच कलर. पीच कलर है जिसमें टमाटो वाला अंडरटोन है, हल्का सा रेड वाला एंड पिंकिश अंडरटोन है. सो बेसिकली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड. आई थिंक वेरी वेरी फेयर टू मीडियम डस्की स्किन टोन्स तक ये कलर आराम से भी जाना चाहिए है. इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ कलर, थोड़ा डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बाकी स्क्रीन पर देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा. एंड देन आई हैव अप्लाइड अ किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का शेड नंबर 06. ये एक पिंक कलर है जिसमें अगेन हल्का सा रेडिश अंडर टोन एंड पीचिश अंडर टोन है. पहले वाले शेड के कंपेरेटिवली ये थोड़ा पिंक साइड में ज़्यादा है. एंड आई थिंक ये सभी के स्किन टोन्स पर सूटेबल होना चाहिए है. इट काइंड ऑफ लुक्स नाइस एंड न्यूट्रल. बिल्कुल हल्का सा इसमें ब्राइट अंडरटोन है, विच एक्चुअली लुक्स नाइस एंड ब्यूटिफुल. एंड इसके बाद अब जो मैं नेक्स्ट शेड लगा रही हूँ, वो है किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का शेड नंबर 07. अगेन ये पहले वाले दोनों शेड्स से काफ़ी सिमिलर है, उनका मिक्सचर है. बेसिकली पीचिश साइड में है लेकिन पिंक अंडरटोन वाला है, टमाटो रेड वाला अंडरटोन भी इसमें है. सभी स्किन टोन्स पर सूटेबल होगा. हल्का सा ब्राइट अंडरटोन है बट ओवरऑल शेड न्यूट्रल ही है, तो सभी स्किन टोन्स पर आई थिंक आराम से भी बहुत ही आराम से कैरी हो पाएगा. एज अ लिप स्टेन भी ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लगाया हुआ. एंड ये बार्बी लाइक पिंक कलर है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी पिंक टाइप का कलर लगता है. स्पेशली यंग गर्ल्स पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये कलर. अब जो नेक्स्ट कलर मैं लगा रही हूँ, ये है शेड नंबर 08, किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक शेड नंबर 08. ये एक पिंक कलर है जिसका अंडरटोन ब्लू है, थोड़ा सा हल्का ब्राइट पिंक है ये वाला कलर. अगेन बार्बी लाइक पिंक कलर है. ये स्पेशली वेरी वेरी फेयर टू मीडियम फेयर स्किन टोन्स तक अच्छा लगेगा. थोड़ा सा मीडियम डस्की तक भी शायद चल जाएगा, ज़्यादा डस्की पे मे बी ना चले बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है ये कलर. बट इफ़ यू कैन कैरी द ब्राइट कलर देन डेफिनेटली डस्की स्किन टोन्स वाले भी इसको बहुत ही अच्छे से कैरी कर पाएंगे. एंड बहुत ज़्यादा फेयर पे भी शायद उतना अच्छे से कैरी ना हो, बट ओवरऑल दैट वाज लाइक रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल पिंक कलर. अब जो नेक्स्ट मैंने कलर लगाया है, ये है किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का शेड नंबर 09, विच इज़ बेसिकली अ ब्राउन कलर. बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूडिश ब्राउन कलर है, वेरी यूनिक कलर. कहीं ना कहीं मिस क्लेयर के शेड नंबर 55 से बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये वाली लिपस्टिक. ये डस्की स्किन टोन्स पर एक बहुत ही प्यारा सा न्यूड टाइप का कलर लगेगा. एंड फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे जैसा मेरे स्किन पर दिख रहा है कुछ उस टाइप का ही लगेगा. न्यूट्रल अंडरटोन्स है, एज सच कोई ब्राइट अंडरटोन्स नहीं है. एवरीडे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है. स्पेशली माई मॉम लव्स टू अप्लाई सच काइंड ऑफ कलर्स. मेरे पर्सनल प्रेफरेंस वाला नहीं है, मुझे थोड़ा पिंकी ब्राइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. बट इन एनी केस इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर. अब मैं जो लगा रही हूँ, ये है किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का शेड नंबर 10. वेरी मच माई टाइप. मुझे इस तरह के ऑरेंज लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है, यंग लगता है, ब्यूटीफुल लगता है. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऑरेंजेस. इफ़ यू आर डस्की स्किन टोन एंड आपको ऑरेंजेस लगाना अच्छा लगता है, यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई बिकॉज एज अ लिप स्टेन ये अच्छा लगेगा, ज़्यादा ब्राइट नहीं लगेगा. एंड इन एनी केस वेरी वेरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स तक ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर लगेगा. नाइस एंड लाइक वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ ऑरेंज कलर. बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है क्योंकि थोड़ा न्यूट्रल है एंड अच्छे से कैरी हो जाता है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है कलर.
नेक्स्ट लिपस्टिक अब जो मैंने लगाई है वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल शेड्स ऑफ रेड, किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक का शेड नंबर 11 है ये। थोड़ा पिंकी अंडरटोन है, थोड़ा रेड अंडरटोन है, कभी लगता है कि डार्क पिंक कलर है, कभी लगता है कि डार्क रेड कलर है। मोर और लेस इट इज़ अ रेड कलर बट विद वेरी नाइस पिंक अंडरटोन्स। ज़्यादा ब्राइट नहीं है ये कलर, न्यूट्रल अंडरटोन्स वाला है। सभी की स्किन टोन्स पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा, स्पेशली डस्की स्किन टोन्स पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। वैसे बाकी सभी लिपस्टिक्स के कंपैरेटिवली इस पर्टिकुलर शेड का फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मूज लाइक एंड थिक टेक्सचर है, तो लिपस्टिक का फॉर्मूला भी इस पर्टिकुलर शेड का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ किस ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक शेड नंबर 12। अगेन वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल शेड्स आउट ऑफ दिस होल रेंज। बहुत ज़्यादा प्यारा सा मरूनिश काइंड ऑफ वाइन कलर है, बहुत प्यारा डीप रेड कलर है विद मरून एंड वाइन अंडरटोन्स। लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, सभी स्किन टोन्स पर परफेक्टली सूटेबल है, स्पेशली डस्की स्किन टोन्स पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मीडियम स्किन टोन्स पर एंड डस्की स्किन टोन्स पर बहुत अच्छा लगने वाला है। वेरी फेयर पे भी आई थिंक अच्छा लग सकता है ये कलर। एंड आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर शेड इन जनरल। ओवरऑल काफ़ी अच्छा न्यूट्रल शेड है, पूरे चेहरे को ब्राइटन अप कर देता है। सो गाइज, दीज आर ऑल द लिप स्वॉचेज। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। लिपस्टिक्स को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो के टाइटल को क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी लिपस्टिक्स को खरीदने की, तो वो चेकआउट करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिप्लाई करने में टाइम लगता है तो थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन लिपस्टिक्स को खरीद पाएं। So thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Till then, take care, look gorgeous, live healthy.